अब देखो जैसे ये थी एक्सप्रेशन, हमने इस एक्सप्रेशन को उसके बराबर प्रूफ करना है। तो अब क्लियर है क्या सिरा पकड़ें, कैसे प्रूफ करें? तो अब देखो इस वाले में यहाँ पे कोसेकेंट साइन, सीकेंट कॉस, वहाँ पे टैन कॉट, ये सब क्लियर है, बिल्कुल आपस में कहीं से भी लिंक नहीं बना रहे, हम लोग कुछ सोच नहीं पा रहे इस क्वेश्चन में। जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें नोन है वो सारे यहाँ पर डाल दिए गए। तो अब क्या करें इन क्वेश्चंस में, क्लियर है कि अगर और कुछ ना क्लिक करें, अब देखो हम लोग यहाँ से वहाँ नहीं जा पा रहे या वहाँ से यहाँ पे नहीं आ पा रहे, क्यों? क्लियर है कि इनका आपस में कोई कनेक्शन हमें विजिबल नहीं था। तो अब क्या करते, अब क्यों ना एक काम करें कि चलो बारी बारी सिंप्लीफाई करें। अब कोसेकेंट साइन, सीकेंट कॉस, इनकी आपस में कोई मिक्सिंग नहीं थी, तो क्यों ना एक काम करें कि उनको एक फॉर्मेट का बना लें। कैसे? कोसेकेंट और सीकेंट को चलो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। चलो हमने कर लिया, ये बन गया एक्सप्रेशन, ये आ गया वन अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, वन अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, एलएचएस को लिया और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। ये आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्लियर अपॉन कॉस ए, ये बने एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज वॉट, कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इज वॉट क्लियर है, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को ये बना सके, साइन ए इंटू कॉस ए, ये बनी हमारी एक्सप्रेशन। पर उधर वाली टर्म में तो टैन ए प्लस कॉट ए डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग डायरेक्टली क्लियर है वो टर्म अभी पकड़ नहीं पा रहे। तो क्यों ना एक काम करें कि हमने एल एच एस को थोड़ा सिंप्लीफाई करा, अब आर एच एस को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। याद है हमने जो बिल्कुल क्वेश्चन की प्रूविंग में आज ये बात सुनी थी कि प्रूविंग में ये बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी होती है, आइदर सिंप्लीफाई द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और सिंप्लीफाई बोथ ऑफ देम अ बिट और दोनों को दिखा दो कि सेम आ रहे हैं। तो ये बना साइन ए इंटू कॉस ए, बिल्कुल इसी लॉजिक से अगर क्या करें कि इनको भी अब ये बनाने की कोशिश करें। अब क्लियर है ये तो साइन कॉस में है, तो इनको भी साइन कॉस में ले आओ। तो हम लोग इनको साइन कॉस में लेके आए, ये क्या बन गया, वन अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। इसका एलसीएम लिया, ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, और ये कितना होता है, वन। ये चीज़ न्यूमिनेटर में आ गई और दोनों इक्वल प्रूव हो गए। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। देखो क्लियर है कि रूट बहुत कम है और बहुत आसान क्वेश्चन है जो आप लोग फेस करोगे, पर इन पे हम लोग का हाथ बहुत क्लियरली खुला होना चाहिए, बड़ी क्लियरली हम लोग को समझ में आना चाहिए कि इन क्वेश्चन को सोचना कैसे है, बोलना कैसे है। अब नेक्स्ट देखो, जैसे ये थी एक्सप्रेशन। अब ना इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, यू विल एक्चुअली सी कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कुछ नहीं इसमें सोच पाते, वो डायरेक्टली बस इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करके क्लियर कन्फ्यूज होते रहते हैं। तो ऐसे नहीं सोचना होता, हमें ये टर्म गिवेन है और सोचो कि हमने ये बनानी है, क्लियर है, हमने ये एल एच एस है और ये क्लियर है ये रहा आर एच एस, इसको भी यही बनाएंगे। तो हमें दिखा कि जो हमें दिया गया है उसमें टैन और कॉट है, जो हमने प्रूव करना है उसमें अकेला टैन है, तो क्या एक्स्ट्रा चीज़ है इसमें, क्लियर है, कॉट। तो क्यों ना एक काम करें कि कॉट को क्या टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्लियर है कर सकते थे। तो अगर हम जैसे ही इस कॉट को टैन में कन्वर्ट कर देते वन अपॉन टैन स्क्वायर ए लिख के, क्लियर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? इसका एलसीएम लिया, ये आ गया टैन स्क्वायर ए प्लस वन इंटू टैन स्क्वायर ए, तो क्लियर टैन स्क्वायर ए ऊपर आ गया, वन प्लस टैन स्क्वायर ए, वन प्लस टैन स्क्वायर ए कैंसिल, क्लियर है फर्स्ट पार्ट सॉल्व। तो ये एक्चुअली इतना सिंपल प्रोसेस है, पर हम क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि हम अननेसेसरली साइन कॉस के चक्कर में फंस जाते। तो ऐसा नहीं होता, जो बनाना है उसके पीछे चलो। सिमिलरली इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें टैन और कॉट दोनों हैं, पर जो हमने प्रूव करना है उसमें क्या है, अकेला टैन, तो क्या एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, कॉट। तो इसको हटाओ, कैसे हटाएं कॉट को, क्यों ना एक काम करें कि इस कॉट की जगह वन अपॉन टैन लिख लें। जैसे ही हमने यहाँ पे वन अपॉन टैन लिखाना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग यहाँ पे अगर 1 अपॉन टैन ए लिख लें, ये बन गया टैन ए माइनस वन इंटू टैन ए जो कि ऊपर आ गया, ये क्या बन गया 1 माइनस टैन ए का स्क्वायर इंटू टैन ए माइनस वन का स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर ए। अब a माइनस बी का स्क्वायर करो या b माइनस ए का स्क्वायर करो, जवाब तो सेम ही आता है। तो ये दोनों तो आपस में एज इट इज कैंसिल हो गए, टैन स्क्वायर ए बचा और वही देखो हमने प्रूव करना था। तो ये एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं जो कि बच्चे कंफ्यूज होके इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हर क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करो। वो सबसे सिली रूट है, क्लियर है, कि वो तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को डायरेक्टली कोई इंटेलिजेंट बात ना क्लिक कर रही हो। मेन लॉजिक क्या है कि जो दिया गया है
और जिस तरफ उसको लेके जाना चाहते हो दोनों में पकड़ो। देखो इसमें हमने जज करा कि हमें कॉट नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आंसर टैन में, तो इसको हमने कॉट को हटाने की करी, ऐसे सोचना है। तो ना ट्रिग्नोमेट्री को अब हमने आज वाली क्लास में थोड़ा और पुश करा, क्लियर है, यही काम चलेगा अभी नेक्स्ट बहुत सारी क्लासेस में। तो क्लियर है कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल कॉपी पेन लेके साथ में करके कंप्लीट करा करो तो हमारी इम्प्रूवमेंट है। ट्रिग्नोमेट्री सुनने से नहीं आनी, बिल्कुल नहीं आनी, इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्लियर, कोई रूट बनाओगे फिर जब हम लोग क्लास में इसको डिस्कस करेंगे बोर्ड में क्वेश्चन को, तो हमें रियलाइज़ होगा कि हाँ ऐसे भी सोच सकते थे या ऐसे भी सोच सकते थे। तो क्लियर है, वो सारी बातें हमें क्लिक करेंगी, जो गलती करोगे वो जाएगी तभी, क्लियर है, कि अगर बहुत अच्छा रूट पकड़ा तो इट इज़ वेरी गुड, एक्चुअली अगर खुद निकाल पाए तो देर इज़ नो कंपेरिजन, और क्लियर है खुद निकलने चाहिए क्वेश्चंस। तो जो पॉइंट भी अगर मान लो हमारा क्वेश्चन कभी रुक जाता है किसी भी रीज़न से अड़ते हो, तो वो फिर डिस्कशन में देखो कि वो कहाँ पे वो चीज़ हमारी लैग कर रही थी। तो क्लियर है, तो हमारी एक्चुअली इंप्रूवमेंट होगी, केवल सुनने से क्वेश्चंस नहीं आते, तो क्लियरली बिल्कुल इनको साथ साथ करो। तो अब नेक्स्ट क्लास में यही प्रोसेस कंटिन्यू होगा, बस आज जो क्वेश्चंस करे उनको 5 मिनट बस दोबारा देख लेना,